हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी टिप्स पर। आज हम करेंगे 29 से 30 जुलाई 2021 के मोस्ट इंपोर्टेंट एग्जाम रिलेवेंट करेंट अफेयर्स। हम लोग करेंट अफेयर्स तो करते ही करते हैं, साथ ही अभी चल रहा है टोक्यो ओलंपिक 2021, उसको भी हम लोग एक नज़र देखते हैं कि कौन सा देश कितना मेडल लेकर टॉप पर है, कौन दूसरे स्थान पर है, कौन तीसरे स्थान पर है और हमारे प्यारे भारत का कौन सा वहाँ रैंक है। तो ये हम लोग देखेंगे और डेली बेसिस पर टोक्यो ओलंपिक को देखते ही है। साथ ही साथ अब हम अपने सेशन में स्टैटिक जीके का स्पेशल तड़का लगाएंगे, जिससे कि हमारा डेली करंट अफेयर्स एक बहुत ही स्वादिष्ट व्यंजन आप लोगों के लिए बन जाएगा। तो स्टैटिक जीके का इंपॉर्टेंस कितना है हमारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए, आपसे आप सब भलीभांति परिचित होंगे अगर आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स देते हैं या फिर उसके सिलेबस पैटर्न को जानते हैं। स्टैटिक जीके के हर एक टॉपिक को अच्छे से हम लोग कवर करेंगे। आप पूरी वीडियो को एंड तक देखिएगा, जिससे आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने सेशन को और देखते हैं कौन सा क्वेश्चन आज हमारा फर्स्ट। पहले हम लोग देखेंगे टोक्यो ओलंपिक मेडल लिस्ट, यानी कि जिस समय मैं वीडियो बना रहा हूँ उस समय टोक्यो ओलंपिक में कौन सा देश टॉप पर है, कौन दूसरे स्थान पर। देखिए चाइना 15 गोल्ड मेडल के साथ टॉप पर बन गया है। वहीं जापान 15 गोल्ड मेडल है लेकिन इसका टोटल मेडल है 25, इसीलिए ये दूसरे स्थान पर है। सात चाइना के पास 7 सिल्वर मेडल, 10 ब्रॉन्ज मेडल के साथ ये 32 मेडल के साथ अभी टॉप पर है। किस समय? 30 जुलाई 2021 को, जिस समय मैं वीडियो बना रहा हूँ। और उसके बाद 25 गोल्ड मेडल जापान, यूएसए के पास 41 गोल्ड मेडल है लेकिन ये तीसरे स्थान पर क्यों है? क्योंकि इसका गोल्ड कम है। ठीक है, तो गोल्ड से मेरा रैंकिंग ऊपर या नीचे होता है। इंडिया का रैंक 47th है, याद रखना है, बहुत ही जरूरी है। इंडिया का रैंक 47th, केवल एक ही रजत पदक यानी कि सिल्वर मेडल मीराबाई चानू को वेटलिफ्टिंग में मिला है। ठीक है, तो इतना याद रखना है। ये हो गया ओलंपिक से रिलेटेड। हम लोग देखते हैं विश्व बाघ दिवस किस दिन मनाया जाता है। विश्व बाघ दिवस यानी कि वर्ल्ड टाइगर डे इज सेलिब्रेटेड ऑन विच डे। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। 29 जुलाई को हर साल विश्व बाघ दिवस मनाया जाता है। और इंडिया में कितने टाइगर रिजर्व है, अगर आपको विश्व बाघ दिवस जैसे ही आया तो इससे रिलेटेड आपको कुछ कुछ फैक्ट्स को जानने चाहिए। तो आज हम लोग कितने इंडिया में टाइगर रिजर्व है उसके बारे में बात करेंगे, जो कि स्टैटिक का एक टॉपिक है। ठीक है, तो 29 जुलाई 2021 यानी कि 29 जुलाई को हर साल मनाया जाता है विश्व बाघ दिवस। इस बार इसकी थीम क्या रही है, उनकी उत्तर जीविता हमारे हाथ में है, देयर सर्वाइवल इज इन आवर हैंड्स। ठीक है, तो ये थीम याद रखने हैं क्योंकि थीम भी पूछ लिया जाता है एग्जाम में। तो 29 जुलाई 2021 यानी कि इस बार जो जिस थीम रहा है, देयर सर्वाइवल इज इन आवर हैंड। अगर आपसे पूछा जाए कि जो ये विश्व बाघ दिवस है इसका शुरुआत कब हुआ था, तो 2010 में। ठीक है, 2010 में सेंट पीटर्सबर्ग ठीक है में पहली बार 2010 में सेंट पीटर वर्ष में पहली बार विश्व बाघ दिवस को नामित किया गया था। कहा गया था कि इस दिन से अब विश्व बाघ दिवस क्यों मनाया जाएगा, क्योंकि बाघों की संख्या में लगातार कमी हो रही है। तो इसको ध्यान में रखते हुए बाघों की संख्या में कमी ना होने देना, इसको संरक्षित करने के लिए ये दिवस मनाया जा रहा है। चलिए अब देखते हैं आगे हमारा क्या क्वेश्चन है। अभी हाल ही में नंदू पाटेकर का निधन हो गया। वो कौन थे नंदू पाटेकर, कौन थे? तो वो एक क्रिकेटर थे, बैडमिंटन प्लेयर थे या फिर टेनिस प्लेयर थे या फिर फुटबॉलर थे। तो आपको बताना है कि ये कौन थे। तो नंदू पाटेकर एक बैडमिंटन प्लेयर थे। क्या थे? बैडमिंटन प्लेयर थे। आपको याद रखना है यह एक बैडमिंटन प्लेयर थे, गलती से ये ए वाला हो गया क्रिकेटर। ठीक है, एक बैडमिंटन प्लेयर थे, याद रखना है नंदू पाटेकर एक बैडमिंटन प्लेयर थे जिनका की निधन 88 वर्ष की उम्र में, ठीक है, 88 वर्ष की उम्र में पुणे में हो गया। ठीक है, पुणे में इनका निधन 88 वर्ष की उम्र में हो गया और ये एक बहुत ही जाने माने बैडमिंटन प्लेयर थे। 1956 में अगर आपसे पूछा जाए कि ये का नाम हम क्यों याद रखें, तो 1956 यानी कि 1956 में अंतरराष्ट्रीय स्पर्धा जीतने वाले फर्स्ट इंडियन कौन थे, फर्स्ट इंडियन बैडमिंटन प्लेयर कौन थे, नंदू पाटेकर। 1956 में अंतरराष्ट्रीय स्पर्धा जीतने वाले फर्स्ट इंडियन बैडमिंटन प्लेयर थे नंदू पाटेकर जी और इनका 88 साल की उम्र में पुणे में इनका निधन हो गया। तो ये भी आपसे पूछा जाएगा। चाइना रूल पुस्तक के लेखक कौन है, बहुत इंपॉर्टेंट है एक पुस्तक, जो बुक्स होता है इंपॉर्टेंट बुक्स वो पूछा जाता है एग्जाम में। तो संदीप सहोता, ठीक है, संदीप सहोता का बुक है चाइना रूल। देखिए आप अगर बाइलिंगुअल हिंदी मीडियम से हैं तो आप चाइना रूल पुस्तक के लेखक कौन है, और आप
बाइलिंगुअल इंग्लिश मीडियम से हैं, तो यहाँ पर देख सकते हैं हु इज द ऑथर ऑफ चाइना रूम, तो आपको बताना है संजीव सहोता, ठीक है, संजीव सहोता। तो ये आपका यहाँ से पुस्तक के रिलेटेड बात हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मीना गुप्ता की एक बुक थी, सच कहूं तो अवतार सिंह भसीन की एक बुक है नेहरू चाइना एंड तिब्बत, नेहरू चाइना एंड तिब्बत। अब देखिए एक इनका सलमान रुश्दी का बुक, ठीक है, तो सलमान रुश्दी बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे एग्जामिनेशन में इनके बुक्स पूछ लिए जाते हैं। तो इनके कुछ बुक्स है, जैसे कि इधर हाल ही में एक बुक आया था, ठीक है, क्विसॉट, ठीक है, सलमान रुश्दी की बुक है, ठीक है। वहीं पर मिडनाइट्स चिल्ड्रन सलमान रुश्दी की बुक है, मिडनाइट्स चिल्ड्रन सलमान रुश्दी की बुक है, ठीक है। हारून और कहानियों का कुछ इस तरह से ही बहुत सारा बुक है, तो इस तरह से याद रखना है सलमान रुश्दी के, ये इंपॉर्टेंट बुक है क्विसॉट, मिडनाइट्स चिल्ड्रन, ठीक है, तो यहां से याद रखना है। अब देखिए DICGC यानी कि डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन विधेयक 2021 को मंजूरी किनके द्वारा दे दी गई है, निर्मला सीतारमण फाइनेंस मिनिस्टर है अभी, ठीक है, इंडिया के फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण, और इन्होंने DICGC डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन को मंजूरी दे दी है। ये क्या है भाई, ये क्या है, तो आपको ये जो यहाँ से तो पहले ये जानना है कि निर्मला सीतारमण ने दिया है। अच्छा, ये क्या हुआ कि ये स्मृति ईरानी क्या है, स्मृति ईरानी बाल विकास एवं महिला मंत्रालय इनको मिला है, ठीक है। वहीं पर हरदीप सिंह पुरी को कौन सा मंत्रालय मिला है, तो पेट्रोलियम मंत्रालय मिला है, पहले ये एविएशन मिनिस्टर थे। वहीं पीयूष गोयल को कौन सा मिला है, तो कॉर्पोरेट जगत के और कपड़ा मंत्रालय, तो बहुत सारा इनको मिनिस्ट्री मिला है। तो आपको अगर मिनिस्टर से रिलेटेड कि कौन से मिनिस्टर को कौन सा कैबिनेट मिनिस्ट्री दिया गया है, तो वीडियो हमारे चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं। चलिए देखिए, ये जो DICGC है, तो इसके अनुसार क्या हुआ कि बैंक अगर डूब जाता है तो इसने एक बैठक हुआ कैबिनेट मिनिस्टर का, और इसमें कहा अगर बैंक डूब जाता है तो उसके कस्टमर्स को विद इन 90 यानी कि 90 दिनों के अंदर बैंक कस्टमर को 5 लाख दिया जाएगा, ठीक है, 5 लाख दिया जाएगा, 5 लाख 90 डेज के अंदर, ठीक है, बीमा राशि का 5 लाख दिया जाएगा। अच्छा, ये 5 लाख पहले जो बैंक डूबने की स्थिति में कस्टमर्स को कितना दिया जाता था, 1 लाख रुपया, ठीक है, ये बढ़ा कर कर दिया गया है 5 लाख, तो ये मंजूरी दी गई इस विधेयक 2021 को मंजूरी दी गई निर्मला सीतारमण जी के द्वारा। चलिए देखते हैं कोरोना वैक्सीनेशन प्रोग्राम के लिए अमेरिका भारत को कितनी राशि की मदद करेगा। अभी आप लोग देख रहे होंगे कि एक अमेरिकन विदेश मंत्री, ठीक है, अमेरिका का विदेश मंत्री, उनका नाम क्या है आपको बताना है कमेंट बॉक्स में, ठीक है, अमेरिका का विदेश मंत्री का नाम क्या है जो कि 2 दिवसीय यात्रा पर भारत आए हुए हैं, ठीक है, 2 दिवसीय यात्रा पर भारत आए हुए थे, और इन्होंने यहां पर आकर बोला कि मैं कोरोना वैक्सीनेशन प्रोग्राम के लिए अमेरिका भारत को 2.5 करोड़ डॉलर की मदद करेगा, ठीक है, ये, और 2 दिवसीय यात्रा पर भारत की अमेरिका के विदेश मंत्री आए हुए थे भारत, आपको उसका नाम बताना है कमेंट बॉक्स में। चलिए देवरान्य योजना किस राज्य सरकार की है, देवरान्य स्कीम इच ऑफ विच स्टेट गवर्नमेंट, तो ये मध्य प्रदेश की गवर्नमेंट है की स्कीम है देवरानी स्कीम। ये क्या है, आयुर्वेद को बढ़ावा देने के लिए, ठीक है, देवरानी योजना आयुर्वेद को बढ़ावा देने के लिए एक योजना है, ठीक है, जिसमें क्या होगा आयुर्वेदिक पौधे, ठीक है, आयुर्वेदिक पौधे पत्ती फूल, तो ये सब क्या होगा लगाया जाएगा मध्य प्रदेश में लगाया जाएगा, इससे क्या होगा आयुर्वेद को तो बढ़ावा मिलेगा ही मिलेगा। अच्छा, ये जो पौधे लगाए जाएंगे तो यहाँ क्या होगा रोजगार का भी सृजन होगा, ठीक है, रोजगार का भी सृजन होगा, आयुर्वेद को भी बढ़ावा मिलेगा, और ये क्या होगा राज्य की यानी कि मध्य प्रदेश के आदिवासी क्षेत्रों में ये पौधे लगाए जाएंगे, जिससे कि होगा आदिवासियों को रोजगार भी मिलेगा, ठीक है, आदिवासियों को रोजगार भी मिलेगा, और ये जो आयुर्वेदिक पौधे लगाए जाएंगे तो पेड़ पौधे लगाए जाएंगे, इससे क्या होगा पर्यटन क्षेत्र को भी बढ़ावा मिलेगा, आयुर्वेद को मिलेगा ही मिलेगा, पर्यटन क्षेत्र को भी बढ़ावा मिलेगा। तो ये रहा देवरान योजना मध्य प्रदेश गवर्नमेंट का स्कीम है। अच्छा, ये बताइए कि मध्य प्रदेश का अभी सीएम कौन, तो मैंने इससे पहले एक वीडियो डेली करंट अफेयर्स का में सीएम और गवर्नर का लिस्ट पूरा आपको दे दिए हैं, ठीक है, वहां जाकर उसको एक बार देख लीजिए। अच्छा देखिए, ये जो मध्य प्रदेश का सीएम कौन है, मध्य प्रदेश के सीएम है शिवराज सिंह चौहान, और यहाँ का गवर्नर अभी कौन है, तो बने हैं नए मंगू भाई छगन भाई पटेल। चलिए अब देखते हैं आगे,
गुणवत्तापूर्ण पेयजल यानी कि हाई क्वालिटी ड्रिंकिंग वाटर उपलब्ध कराने वाला देश का पहला शहर इसे घोषित किया गया है। यानी कि यहाँ 24/7 यानी कि 2400 घंटे सातों दिन आपको हाई क्वालिटी ड्रिंकिंग वाटर मिलेगा। कौन सा शहर बन गया है इंडिया का? पूरी है ना, पूरी उड़ीसा का पूरी ये बन गया है शहर। आप कहीं भी किसी भी टैप पर जाएं, नल खोले, आपको वहां पर किसी कोई कैंक लगाने की जरूरत नहीं है, आरओ फिल्टर लगाने की जरूरत नहीं है, आपको 100% हाई क्वालिटी वाटर ड्रिंकिंग वाटर आपको मिलेगा। और ऐसा करने वाला देश का पहला शहर बन गया है पूरी, आपको यहाँ से ये याद रखना है। चलिए अब देखते हैं आगे। ताजिकिस्तान में चल रहे SCO रक्षा मंत्रियों की बैठक में भारत की ओर से कौन भाग ले रहा है? तो ये रक्षा मंत्री की बैठक है, तो रक्षा मंत्री ऑब्वियसली की भाग लेंगे। SCO यानी कि शंघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन, इसमें भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भाग ले रहे हैं और साथ ही साथ अजीत डोवल भी इसमें भाग ले रहे हैं। अजीत डोवल जो कि नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर है, यहाँ पर देखिए, ठीक है, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर भारत के, ये भी इसके साथ भाग लेंगे। तो देखिए ये जो SCO समिट है जो कि ताजिकिस्तान में चल रहा है, ताजिकिस्तान के दुशांबे में, ठीक है, ताजिकिस्तान के दुशांबे में ये चल रहा है। अच्छा, यहाँ पर पाकिस्तान का भी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर और चीन का भी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर भाग लेंगे। तो एक छत के नीचे भारत का सिक्योरिटी एडवाइजर, पाकिस्तान का सिक्योरिटी एडवाइजर और चीन का सिक्योरिटी एडवाइजर होगा। बहुत ही मतलब रोमांचक ये बैठक होगी, इससे क्या बातें निकल कर आती है इसके बारे में मैं एक वीडियो बनाऊंगा, जो इसमें क्या फैसला लिया जा रहा है तो इसके बारे में एक वीडियो बना देंगे। तब तक आप देखिए कि ताजिकिस्तान में जो SCO समिट चल रहा है, SCO रक्षा मंत्री की बैठक जो चल रहा है, वो उसमें राजनाथ सिंह के साथ अजीत डोवल भी भाग ले रहे हैं। चलिए देखते हैं ये जो SCO है, ठीक है, शंघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन, इसके सेक्रेटरी जनरल कौन है? तो इसके सेक्रेटरी जनरल है व्लादिमीर नोरो। अच्छा, इसके SCO का हेडक्वार्टर कहाँ है? बीजिंग, चाइना। डेप्यूटी सेक्रेटरी आप देख लेंगे, सबीर इमानदोसो है ना, सिराली जोनोनो, वांग काइवेन, अजीत नोसीरो, व्लादिमीर पोतापेंको। तो ये सब कुछ नाम है डेप्यूटी सेक्रेटरी जनरल के, और ऑफिशियल लैंग्वेज इनका क्या है? चाइनीज और रशियन। किसका? तो SCO का। SCO यानी कि शंघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन, इसका फाउंडेशन, इसका स्थापना कब हुआ था? SCO का स्थापना कब हुआ था? तो इसका स्थापना हुआ था 15 जून 2001 को, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? बीजिंग, चाइना में। बस इतना आपको याद रखना है। चलिए आगे देखते हैं। मानव तस्करी के खिलाफ विश्व दिवस किस दिन मनाया जाता है? 30 जुलाई को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 30 जुलाई को मानव तस्करी के खिलाफ विश्व दिवस, यानी कि जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग होता है उसको रोकने के लिए 30 जुलाई को अवेयरनेस फैलाने के लिए ये डे मनाया जाता है यूनाइटेड नेशंस के द्वारा। इस डे को मनाया जाता है, तो आपको याद रखना है, मानव तस्करी के खिलाफ विश्व दिवस 30 जुलाई को मनाया जाता है। 29 जुलाई को कौन सा डे मनाया जाता है? अभी मैंने बताया, विश्व बाघ दिवस। चलिए हो गया, अब देखते हैं नागालैंड के राजा मिर्च, ठीक है, नागालैंड का राजा मिर्च जो बहुत ही विश्व का सबसे तीखा मिर्च है ना, विश्व का सबसे तीखा मिर्च है। और इसे अभी कहां निर्यात किया जाएगा? तो इसे अभी लंदन निर्यात किया जाएगा। देखिए कुछ दिन पहले मैंने बताया था कि क्या बोलते हैं कि डेनमार्क में उत्तराखंड का बाजरा निर्यात किया जा रहा है, तो उत्तराखंड का भिंडी, उनका मिर्च, क्या बोलते हैं कि कुछ जो कृषि प्रोडक्ट है उसको कहां पर निर्यात किया जा रहा है, तो ये आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। तो देखिए नागालैंड का राजा मिर्च यानी कि किंग चिली, चिली किंग है ना, किंग चिली जो है, जो कि विश्व का सबसे तीखा मिर्च है, इसे अभी लंदन निर्यात किया जाएगा, ठीक है, इसे याद रखना है। अच्छा, राजा मिर्च का कुछ नाम भी है, ठीक है, राजा मिर्च का कुछ और नाम है, जैसे कि आपको अगर पूछ लिया जाए कि राजा मिर्च, देख लेते हैं, ठीक है, नागालैंड से ये कहां लाया जाएगा? गुवाहाटी लाया जाएगा, और गुवाहाटी से फिर ये लंदन क्या किया जाएगा? लंदन ट्रांसफर, एक्सपोर्ट किया जाएगा। तो आपको इतना याद रखना है नागालैंड से। अब देखते हैं कि ये जो जर्मनी यूएसए दुबई है उसके बारे में हम लोग देखते हैं। तो जब हम लोग यहां से देख लिए कि राजा मिर्च का क्या नाम है, तो आपसे अगर पूछा जाए कि राजा मिर्च का नाम क्या है, तो आपको बताना है, ठीक है, राजा मिर्च का कितने नाम है इसको आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आपको इसको सर्च करना है और आप इसको कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि राजा मिर्च का और क्या क्या नाम, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं आगे।
गोल्डन डक, यहाँ पर यहाँ गोल्डन डक लिखना है, ठीक है, आपको पीडीएफ में आप जिस तरह से इसको कर सकते हैं। गोल्डन डक पर आउट होने वाले पहले क्रिकेटर भारतीय कप्तान कौन हुए, ठीक है, तो ये गोल्डन डक पर आउट होने वाले पहले भारतीय कप्तान क्रिकेट में कौन हुए, शिखर धवन, ठीक है। अभी श्रीलंका में T20 इंटरनेशनल चल रहा है और इसमें गोल्डन डक पर आउट होने वाले पहले भारतीय कप्तान बन गए कौन, तो शिखर धवन। ये गोल्डन डक क्या होता है, गोल्डन डक क्या होता है, तो आपको बता दें कि अपनी पारी के पहले गेंद पर आउट होने को गोल्डन डक कहा जाता है और इस पर आउट होने वाला पहला भारतीय कप्तान बना है शिखर धवन। अब देखिए एनसीबी का प्रमुख किन्हें बनाया गया है, एनसीबी के प्रमुख यानी कि नेशनल नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो का प्रमुख बनाया गया है एस एन प्रधान को बनाया गया है। देखिए ये जो एस एन प्रधान है नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के प्रधान बने हैं किसके स्थान पर, तो पहले राकेश अस्थाना थे इसके चीफ, ठीक है, इसके चीफ राकेश अस्थाना जी थे और इन्हें अभी दिल्ली पुलिस का चीफ बना दिया गया है, ठीक है, दिल्ली पुलिस का चीफ बना दिया गया। और ये जो क्या बोलते हैं एनसीबी के जो अध्यक्ष हैं ये अभी एनडीआरएफ, ठीक है, नेशनल डिजास्टर रिलीफ फंड, ठीक है, तो ये एनडीआरएफ के भी अभी डीजी हैं, एनडीआरएफ के भी डीजी हैं जिसे कि एनसीबी का चीफ बना दिया गया है। सुबोध कुमार जायसवाल को अभी डायरेक्टर बनाया गया है सीबीआई का, ठीक है, सीबीआई के डायरेक्टर सुबोध कुमार जायसवाल को बनाया गया और प्रवीण सिन्हा को स्पेशल डायरेक्टर सीबीआई का बनाया गया। तो यहां से इतने इतने बात आपको याद रखने हैं। अब देखिए पीएम मोदी यानी कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो आई है, नई शिक्षा नीति न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो है 2020 में, ठीक है, 29 जुलाई 2020 को नई शिक्षा नीति आई थी, आया था, ठीक है, और अब आज 29 जुलाई 2021 को इसका एक साल पूरा हुआ। तो इस वर्षगांठ पर मोदी के द्वारा पीएम मोदी के द्वारा बहुत सारी योजनाएं शुरू की गई, तो उसका एक झलक आप लोग यहां से पीडीएफ डाउनलोड करके देख लीजिएगा क्या है इसमें कौन कौन से चीज लॉन्च किया गया। तो 2000 यहां देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की पहली वर्षगांठ पर राष्ट्र को संबोधित किए और 21 यह जो नई शिक्षा नीति है 34 साल बाद आई है, ठीक है, 1986 में इसके पहले था और 21वीं सदी का पहली शिक्षा नीति और बोल सकते हैं 34 साल बाद इस नई शिक्षा नीति को लाया गया है। इससे क्या होगा, इसको क्या इसमें रखा गया है एम कि भारत को वैश्विक ज्ञान महाशक्ति बनाने के लिए स्कूल और उच्च शिक्षा प्रणालियों को सुधार का रास्ता दिखाने के लिए ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी भारत में लाया गया है। अच्छा ये जो एक साल पूरा हुआ इसमें क्या हुआ, कौन कौन से योजनाएं लॉन्च किया गया मोदी के द्वारा, आप यहाँ पर देखिए राष्ट्रीय डिजिटल शिक्षा वास्तुकला और राष्ट्रीय शिक्षा प्रौद्योगिकी मंच जो NEP यानी कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 का महत्वाकांक्षी कार्यक्रमों से में से है, इन्हें इसे पहली वर्षगांठ पर लॉन्च किया गया। प्रधानमंत्री ने इस कार्यक्रम में एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट का भी शुभारंभ किया, एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट ACB, ठीक है, ACB का शुभारंभ किया। तो जो जो लॉन्च किया गया उसको यहाँ पर नोट डाउन आप कर सकते हैं, कुछ पॉइंट्स को मैं मेन पॉइंट्स आपको बता देता हूँ कि ACB यानी कि एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट का शुभारंभ किया जो उच्च शिक्षा में छात्रों के लिए कई प्रवेश और निकास का विकल्प प्रदान करेगा, ठीक है, और इसमें क्या होगा 11 भाषाओं में इंजीनियरिंग करने को भी यहाँ पर मंजूरी दे दी गई है। अब देखिए कि प्रधानमंत्री द्वारा शुरू की गई अन्य पहल ग्रेड 1 के छात्रों के लिए 3 महीने का नाटक आधारित स्कूल यानी कि प्ले स्कूल टाइप से, ठीक है, गांव में भी उस तरह से प्ले स्कूल स्टार्ट किया जाएगा, उसके लिए एक मॉडल तैयार किया गया जिसका नाम है विद्या प्रवेश। तो ग्रेड 1 यानी कि पहले जो ग्रेड 1 में जो छात्र एडमिशन लेंगे बच्चों गांव में रहे चाहे शहर में रहे उसके लिए 3 महीने का नाटक आधारित स्कूल यानी कि प्ले स्कूल टाइप से एक मॉडल तैयार किया गया है जिसका नाम है विद्या प्रवेश। उसके बाद माध्यमिक स्तर पर यानी कि सेकेंडरी लेवल पर एक विषय के रूप में भारतीय सांकेतिक भाषा को भी शामिल किया जाएगा। NCERT द्वारा एक कार्यक्रम चलाया जाता है निष्ठा, ठीक है, उसका 2.0 निष्ठा 2.0 सफल मतलब इसको सिखाने के लिए सीखने के कुछ मूल्यांकन करने के लिए भी इसको क्या किया गया है इसमें लॉन्च किया गया है, ठीक है। उसके बाद CBSE स्कूलों में 3, 5 और 8 के लिए मतलब तीसरी क्लास ग्रेड 3 ग्रेड 5 और ग्रेड 8 के लिए योग्यता आधारित मूल्यांकन ढांचा पूरी तरह से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को समर्पित एक वेबसाइट भी शामिल किया गया है। पहली बार मल्टीपल एंट्री एग्जिट सिस्टम लागू किया गया जिससे उन छात्रों को बहुत फायदा होगा जिनकी पढ़ाई बीच में किसी वजह से छूट गई, ठीक है, और नई शिक्षा नीति के तहत राज्य व केंद्र सरकार के सहयोग से GDP का 6% हिस्सा
इसमें निवेश किया जाएगा, पढ़ाई में निवेश किया जाएगा, स्टडी में निवेश किया जाएगा। उसके बाद नई शिक्षा नीति के अंतर्गत ही मानव संसाधन विकास यानी कि एचआरडी मिनिस्ट्री का नाम बदलकर शिक्षा मिनिस्ट्री शिक्षा मंत्रालय करने को भी मंजूरी दी गई है। तो ये बातें नई शिक्षा नीति जो 2020 में आई थी 29 जुलाई 2020 को, उसके एक साल पूरे होने पर प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा संबोधन में ये सब बातें कही गई। चलिए अब देखते हैं कि भारत में कुल कितने टाइगर रिजर्व हैं, क्योंकि आज हमने पढ़ा है 29 जुलाई को मनाया जाता है विश्व बाघ दिवस, और मैंने बताया था कि स्टैटिक जीके को भी कवर करेंगे। तो आप इन सारे जो भारत में कितने कुल टाइगर रिजर्व है, 51 ठीक है, 51 कुल टाइगर रिजर्व है। और 2021 में श्री विल्लुपुथूर मेघामलाई जो कि तमिलनाडु में, भारत का 51वां ठीक है 51st 51वां टाइगर रिजर्व घोषित किया गया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 2021 में यानी कि इससे पहले 2020 तक 50 टाइगर रिजर्व थे और अब 51 टाइगर रिजर्व हो गए, 51 टाइगर रिजर्व हो गए, और जो 51वां है 51वां जो टाइगर रिजर्व है वो तमिलनाडु के मेघामलाई को बनाया गया है ठीक है। मेघामलाई टाइगर रिजर्व कौन सा, श्रीविल्लुपुथूर, वो थोड़ा सा नाम डिफरेंट है, तो आप इसे देख लीजिएगा, मेघामलाई याद रखिएगा तो हो जाएगा ठीक है, तमिलनाडु के। आप यहां से पूरे लिस्ट को देख सकते हैं, जो पहला टाइगर रिजर्व बना था ठीक है 1973-74 में ठीक है, बांदीपुर टाइगर रिजर्व कहां पर है, कर्नाटक में, बांदीपुर टाइगर रिजर्व कर्नाटक में। उसी साल 1973-74 में उत्तराखंड में कॉर्बेट टाइगर रिजर्व, कॉर्बेट टाइगर रिजर्व कान्हा मध्य प्रदेश, मानस असम, मेघाट महाराष्ट्र, इस तरह से पूरी लिस्ट आप देख सकते हैं, 51 का 51 पूरा लिस्ट दिया गया है। पलामू टाइगर रिजर्व झारखंड के पलामू ठीक है, रणथंभौर राजस्थान, सिमलीपाल उड़ीसा, सुंदरबन पश्चिम बंगाल, पेरियार केरल, सरिस्का राजस्थान, बुक्सा पश्चिम बंगाल, इंद्रावती छत्तीसगढ़, नामदफा अरुणाचल प्रदेश, दुधवा उत्तर प्रदेश, ये सारे के सारे टाइगर रिजर्व है। कलाकड़ मुंडथुरई ये तमिलनाडु का है, वाल्मीकि बिहार का है, बिहार में एक ही टाइगर रिजर्व है, बिहार में वाल्मीकि ठीक है, पेंच मध्य प्रदेश, तुदबो अंधेरी महाराष्ट्र ठीक है, बांधवगढ़ मध्य प्रदेश, पन्ना मध्य प्रदेश, दम्फा मिजोरम, भद्र कर्नाटक, पेंच महाराष्ट्र, पक्के पकोई अरुणाचल प्रदेश, नामेरी असम, सतपुड़ा मध्य प्रदेश। अनामलाई तमिलनाडु, उदंती सीता नदी छत्तीसगढ़, सतकोसिया उड़ीसा, काजीरंगा असम, अचानक मार छत्तीसगढ़, कर्नाटक, बंदेली अंसी टाइगर रिजर्व जिसे काली भी कहा जाता है, संजय धुबरी मध्य प्रदेश, मुदुमलाई तमिलनाडु, नागरहोल कर्नाटक, पेराम्बिकुलम केरला, सह्याद्री महाराष्ट्र, बिलगिरी रंगनाथ कर्नाटक, कवल तेलंगाना, ये कुछ टाइगर रिजर्व्स हैं आप यहाँ पर देख रहे हैं। सत्यमंगलम तमिलनाडु, मुकुंद्रा हिल्स राजस्थान, नवेगांव नजीरा महाराष्ट्र, नागार्जुन सागर श्री सैलम ठीक है, ये आंध्र प्रदेश और तेलंगाना दोनों में फैला हुआ है ठीक है। वही अमराबाद तमिलनाडु, तेलंगाना, पीलीभीत उत्तर प्रदेश, पूर महाराष्ट्र, राजाजी टाइगर रिजर्व उत्तराखंड, ये 48वां नंबर का टाइगर रिजर्व है, यहां से आपको याद रखना है, 2015 में इसे बनाया गया था, 49वां 2016 में ओरंग असम में, कमलंग 2016 में ही 50वां अरुणाचल प्रदेश, और 2021 में ये बनाया गया मेघामलाई तमिलनाडु में। तो ये टाइगर रिजर्व है, आपको यहां से ये याद रखने हैं। वहीं पर आप यहाँ पर यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स भी इसमें देख सकते हैं, 40 अभी भारत में 40 यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, 39वां बना था कार्तिकेय रुद्रेश्वर मंदिर, और 40वां बना धौलावीरा, और धौलावीरा हड़प्पन सिविलाइजेशन है, हड़प्पन सिविलाइजेशन का एक साइट है। तो अब जितने भी एग्जाम है उसमें हड़प्पन सिविलाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, हड़प्पन सिविलाइजेशन को अच्छे से पढ़ के जाना है, क्योंकि उससे एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा, क्योंकि इस तरह से ही क्वेश्चन बनता है। तो यहां से आप वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स को भी पूरा का पूरा देख सकते हैं, पूरा लिस्ट है। आगरा का किला सबसे पहला बना था ठीक है, आगरा का किला सबसे पहले विश्व विरासत स्थल में इसको जगह मिला था, जो कि उत्तर प्रदेश में 1983 में। इस तरह से आप पूरा लिस्ट देख लीजिएगा, है ना, इस तरह से पूरा लिस्ट देख लीजिएगा। यहां से 40 धौलावीरा 40वां, 39वां कार्तिकेय रुद्रेश्वर मंदिर 2021 में, जयपुर को 29वां नंबर का विश्व विरासत स्थल है, और ये 2019 में इसे शामिल किया गया था। तो इस तरह से सारा का सारा लिस्ट आप देख सकते हैं। अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा है तो आप चैनल को, अगर नए हैं चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल बेल आइकन को दबा दें, जिससे कि ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियोज के साथ हम जब हाजिर हो आपके सामने तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए सबसे पहले। और आप पढ़ते रहिए, सारे एग्जामिनेशन के डेट्स आने शुरू हो गए हैं, आप चैनल को आप
कंटेंट को अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए। अगर आप हमें सपोर्ट करेंगे तो हमें बहुत मोटिवेशन मिलेगी आपके लिए बहुत मेहनत करने के लिए। तब तक के लिए आपसे हम अलविदा चाहते हैं और आप सेफ रहें, स्वस्थ रहें और अपनी पढ़ाई में पढ़ाई करते रहें। चलिए, जय हिंद, जय भारत।